हुआ है ना, उनसे पूछ रहा हूँ ना। हम भी तो कौन सा गलत बता रहे हैं। अरे सर, उनकी वर्दी में बड़ी ताकत है। फाइनली गाइस, प्लान बन चुका है और अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। सुबह के बज चुके हैं 5:15, 7-8 महीने हो चुके हैं उसके बाद हम दिल्ली से बाहर निकल रहे हैं। तो अभी चलते हैं, सारी पैकिंग वगैरह हमारी हो चुकी है। 5 बजे हमें निकलना था बट अभी बज रहे 5:15 और अभी हमें रास्ते से किसी को पिक भी करना है। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में जो जो चीज़ें होंगी आप लोगों को सबको दिखाऊँगा मैं। मैं बस आ गया ये शंकर रोड वाली साइड पे। ठीक है, अभी से आपने वो लेना रेड लाइट से। हाँ, वो जो आपने बताया था ना जहाँ रुके थे उससे पहले वाला है ना। हाँ, ऊपर चेक करो। तो यार हम चलते चलते काफ़ी लेट हो गए थे अभी, मतलब सुबह में काफ़ी लेट हो गए थे। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं, अपनी गाड़ी में पीछे बंदे बैठे हैं। तो ये कुछ महाराजा शिकंजी करके कुछ था, वॉशरूम जाना था तो इसके लिए रुके हैं। खाना पीना तो हम लाए हैं, चाय वगैरह। तो सनलाइट अच्छी आ रही थी यार कहीं से। तो बहुत बढ़िया एंजॉय करते करते जा रहे थे। उसके बाद जो हमें ट्रैफिक मिला है रोड्स पे, बहुत ही बुरी हालत में रोड्स थी। और कुछ ऐसे रब के बंदे 3rd-4th lane बना के आगे जाते रहते हैं जिससे और ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और उसके बाद हमारी गाड़ी पहुंच गई सीधा खेतों की तरफ। मेरी नहीं, बहुत लोगों की, 50-100 गाड़ियाँ सारी सीधा खेतों की तरफ। और क्योंकि बाहर एक्सीडेंट हुए हैं, रोड इतनी ख़राब है और क्योंकि इतनी छोटी छोटी सी जगह से हम निकले हैं कि सामने से गाड़ी आती थी तो बहुत दिक्कत होती थी। ये देख लो हालत क्या है रोड्स की। इसके लिए वो सामने चौक है ना, चौक से राइट हो जाओ। अच्छा, वो सामने जो चौक है पीछे वाला, आगे से। हाँ, वो जो पीछे। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऋषिकेश के लिए सीधा ही बैक हो जाऊँ? हाँ वो है ना, उनसे पूछ रहा हूँ ना।
हम भी तो कौन सा गलत बता। अरे सर उनकी वर्दी में बड़ी ताकत है। बस बस हम भी साथ। तो हरिद्वार हम पहुंच गए काफी ट्रैफिक देखने के बाद, और हमारी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ एक ही जगह चेकिंग हुई थी, उसके लिए भी हमें सिर्फ जो ई पास होता है वो ही शो करना पड़ा, बाकी कोविड वगैरह की कोई रिपोर्ट नहीं। ई पास आपको चाहिए जो कि उस पर अप्रूवल है या नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जैसा भी है, बट ई पास होना चाहिए आपका जैसे भी आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी पे। उसके बाद जो हमें ट्रैफिक मिला है हरिद्वार से ऋषिकेश का जो रूट है बहुत बुरी हालत है, 2 घंटे हमारे यहाँ भी वेस्ट हो गए। और मैं बता रहा हूँ रोड्स की हालत बहुत ही बुरी है। फिर हमें पता नहीं था एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, मैं गाड़ी में था, फिर मैं उतर के गया बाहर कि देखा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई बता नहीं रहा था कि क्या दिक्कत है आगे। बट आगे एक बस थी जो खाई की तरफ मुड़ी हुई थी, और उसको निकालने के लिए छोटी क्रेन पहले मंगाई जिससे कुछ हुआ नहीं, फिर बड़ी क्रेन मंगाई गई उससे हटाएगी बस को, तो इसकी वजह से बहुत जाम और 2 से 2.5 घंटे हमारे यहाँ खराब हो गए। तो इतने लंबे और थका देने वाली ट्रैवलिंग के बाद हम तपोवन ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ई पास चेक हुआ रास्ते में, और कुछ ई पास की वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।